सर, आप एक बात टीवी पे अभी कह रहे थे, किशोर जी, अभी आपने खुलेआम हाँ कहा कि महाराष्ट्र की जनता के साथ है या कंगना के साथ बीजेपी, आप भी बता दीजिए, अपने आप देख लेगी महाराष्ट्र की जनता। ऐसे में कौन भरोसा करेगा सर? उद्धव ठाकरे ने भी, ये अरे अरे संजय राउत ने भी कहा क्या, अपने आप देख लेगी महाराष्ट्र की जनता, अरे इसका क्या, मतलब क्या है? अरे क्या रोहित जी ये क्या कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड, बकवास पे बकवास कोई करता है और जिस मुंबई ने जिनको बड़ा किया वो उसका सम्मान भी नहीं करते हैं, मुंबई पुलिस की धज्जियां उड़ाते हैं, ये क्या चल रहा है? मेरे समझ में नहीं आया। आपने आपने सीबीआई इंक्वायरी चालू कर दी, आपने ईडी की इंक्वायरी चालू कर दी, आपने एनसीबी की इंक्वायरी चालू की, कंगना बेटा के पास प्रमाण है तो उसने आके देना, और नेता रहे अभिनेता रहे राम कदम, तुम्हारे पास भी कोई सबूत हो तो आप भी आ जाइए, हम किसी को नहीं बचाएंगे। उद्धव जी के इंटेग्रिटी पे कोई उंगली उठाएगा तो वो गलत होगा। राम कदम, आप हमारे पास ही चाकरी करते थे, अब उत्पटांग बातें मत करो। बोलिए राम कदम, फिर सचिन सावंत आपके पास आ रहा हूं। बोलिए राम कदम। देखिए, जब महाराष्ट्र सरकार के पास ये 65 दिन मामला था, तब महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रकार से लीपापोती की है पूरे देश ने देखा है। इसके लिए ये आप कहने का अधिकार खो चुके हो। आप यदि चाहते मुंबई पुलिस को पूरी तरह से सक्षमता से काम करने देते, उनके कामों में दखलंदाजी नहीं करते, तो मुंबई पुलिस की छवि जो धुलिन हुई है, धुलिन करने का दुस्साहस आपने किया है। और 65 दिनों में जो अलग अलग तथ्य सामने आए, अलग अलग बिंदु सामने आए और किस प्रकार से उनको दबाने का प्रयास किया, ये भी सामने आया है। जो रिया चक्रवर्ती का व्हाट्सएप चैट है जिसमें ड्रग का सारा व्हाट्सएप चैट सर मसला दो दिन सुशांत पे जा रहा है बार बार घूम के। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि भाई कंगना रनौत अगर कोई बात कहती है उसे लगता है कि उसे पुलिस पर भरोसा नहीं है, महाराष्ट्र की सरकार के नेता उसे गाली देते हैं, इतने बड़े नेता जिनको मुख्यमंत्री के बाद नंबर 2 माना जाता है, वो अगर गाली देते रोहित और केंद्र की सरकार सुरक्षा देती है तो वो सुरक्षा देने के लिए देती है या नीचा दिखाने के लिए देती है? और उसके घर बीएमसी जाने का क्या मतलब है, जिसके लिए टीवी पर बैठकर किशोर जी डिनाई कर रहे हैं कि नहीं कोई गया ही नहीं? रोहित जी, जब कंगना का नाम आएगा तो सुशांत राजपूत का मामला सामने आएगा ही आएगा, क्योंकि कंगना जो नाम बताने वाली थी वो सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो रिया चक्रवर्ती का जो चैट है जिसमें ड्रग माफिया नेता अभिनेता है, वो नाम महाराष्ट्र की सरकार नहीं सुनना चाहती। और वही कारण है ना, महाराष्ट्र सरकार ने 12 दिन में कोई संपर्क नहीं अब किया। तो सब आ रहा है ना सामने, नहीं करेगी अब तो सब आ रहा है ना सामने एक एक करके। देखिए, हर रोज जो सुनवाई चल रही है लगातार आ तो रहा है टीवी पर, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। देखिए रोहित जी, रोहित जी, राम कदम बता दे, राम कदम क्यों नहीं बताते? बताइए राम कदम जी, वो कह रहे हैं आप नाम बता दीजिए जो कंगना को पता थे, आपको पता है तो आप बोल दीजिए। एक एक उधर कंगना रावत, एक कंगना रावत है, इधर राम कदम है, ये दोनों लोग है ना, इनको कोई ओन नहीं करता। बोल दिए राम कदम, उसके बाद सचिन सावंत आपके पास आ रहा हूँ फटाफट, और फिर रोशन बिंदर के पास चलते हैं। बोलिए राम कदम, जल्दी पूरा कीजिए अपनी। पहली बात मैं आपको किशोर जी बता दूं, जो बात मैंने नहीं की कही वो बात मेरे मुख में आप न डाले। कंगना के विवादित बयानों का हमने कभी समर्थन नहीं किया है, पर उसकी जो एक मूल बात है वो नाम बताना चाह रही थी और तुम्हारे कर्तृत्व से दिखा है, तुम्हारे महाराष्ट्र सरकार की वीडियो देख लो दिखा है कि वे नाम महाराष्ट्र सरकार नहीं सुनना चाहती, क्योंकि वो नाम जब लोगों के सामने आएंगे तो उससे महाराष्ट्र की सरकार तकलीफ में आ सकती है, महाराष्ट्र सरकार के बड़े नेताओं के नाम खुलेंगे, इसलिए आप नहीं कर रहे थे। और इस बात को, इस सत्य को आपको स्वीकार करना होगा, और देश और दुनिया के लोगों की जनभावना बन चुकी है। तो भी बोले जा रहे हो, अच्छा एक सेकंड, आपस में झगड़ा नहीं करना। सचिन सावंत कुछ बोल रहे हैं, फिर रोशन बिंदर, राहुल ईश्वर और तरुण राठौर तीनों के पास आऊं। बोले सचिन सावंत। रोहित जी, थोड़ा जब राम कदम बोलते तब उनको भी टोका कीजिए, जिस तरह से हमें सर ये ना कहने की बातें होती है सचिन जी, जिनको दिख रहा है ना कि टोक रहे हैं वो दिख रहा है, जिनको नहीं सुनाई देगा ना सर, आंख के अंधे को दिखा सकते हैं सर, जिसकी अकल आप मुद्दे की बात पे आइए ना, आप अपनी सरकार को बचाने के बजाय दूसरे को गाली देने में ज्यादा यकीन रखते हैं। पहली चीज, अरे भैया रोहित जी, आप 2 महीने से इसका प्रक्षेपण कर रहे हैं, इसको कवर कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, अभी इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? अभी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है, ईडी कर रही है, या एनसीबी कर रही है? मुंबई पुलिस का संबंध नहीं, महाराष्ट्र सरकार का क्या संबंध है? तो महाराष्ट्र सरकार बचा कैसे सकती है किसी को, यही मुझे नहीं समझ में आ रहा।
तो 65 दिन से कुछ नहीं किया, 65 दिन से कुछ नहीं किया यार, 30 दिन से सीबीआई ने अरेस्ट क्यों नहीं किया है अब तक? ईडी ने क्या किया? पीएमएलए कहां से आ गया? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहां है? और मैं सिर्फ बेसिक सवाल पूछना चाहता हूं, आज की परिस्थिति में एनसीबी कार्रवाई कर रही है।